आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी पर। तो आप सभी को बिलेटेड हैप्पी होली। तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक और किया था, वर्ड्स प्रॉब्लम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बता दी थी, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इवन क्लास 8 और 9 में भी ये क्वेश्चंस मिलते हैं। अगेन आपको हम उसी एक दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक पर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो है एज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये एज से क्वेश्चन जो होते हैं, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, इन तीनों बोर्ड में कंटिन्यूसली आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपको थ्रू आउट द एकेडमिक क्लासेस 8th हो, 9th हो, 10th हो, आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, पर्टिकुलर एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन को और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हुआ है, उसमें भी आपका बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बोर्ड लेवल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th 9th के तो बुकों में है, चाहे वो NCERT ले लीजिए, ICSE ले लीजिए, CBSE ले लीजिए। ठीक है, तो आज हम क्लियर करेंगे इनके डाउट्स और इनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे समझने से पहले आप किसी, यहाँ दो प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए, और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनकी मीनिंग में बच्चों को कंफ्यूजन होता है बेसिकली, तो आज हम उसे क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी आप एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वैसे भी कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिसमें ऑफन बच्चे जो होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि इसका मीनिंग क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। समझिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐड आए मोर, प्लस, आफ्टर, डिपॉजिट, फ्रॉम नाउ, हेंस, एक्सीड, लेटर, एटसेट्रा, तो मीन्स प्लस। इसका मतलब है, इन सभी वर्ड का मतलब ये हो गया कि जब भी ये वर्ड आएंगे तो आपको इसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं जैसे बिफोर, डिफर, डफर नहीं जी, डिफर, लेस, एगो, डिफरेंट, विथड्रॉ, माइनस, सब्ट्रैक्ट, एटसेट्रा, मीन्स होता है माइनस करते ना, मैंने सिंबल बना दिया आपको समझने के लिए कि शॉर्ट में कि माइनस करना, इन सभी वर्ड का मतलब है। ठीक है, लेकिन कुछ और वर्ड आते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो से मल्टीप्लाई, थ्राइस मीन्स थ्री से मल्टीप्लाई। अब आपको ये समझना है कि जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं बेसिकली, 8th की बात करें, 9th की बात करें, इवन आप 10th की बात करो, 10th में तो भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एग्जांपल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, या न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने जो पढ़ा था सम ऑफ डिजिट्स वाले क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब देखिएगा, इन सभी वर्ड्स प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ द जो है यूज होने वाले वर्ड्स हैं बच्चों, ये है आपके वर्ड्स जो ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनका कॉन्सेप्ट पहले बता दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जब मैं क्वेश्चंस करूं एगो, बिफोर, आफ्टर, तो आपको समझ में आ जाए क्यों प्लस और माइनस होना है। आप पहले थोड़ा सा एगो बिफोर का मतलब समझिए। जैसे कहता है कि एक संजू है और संजू का एज, संजू की आपने प्रेजेंट एज ले ली बच्चे, प्रेजेंट एज आपने कर दी एक्स। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर संजू एज बताइए। देखिए, अगर मैं बोलूं मैं संजू होता और मेरी एज अगर आज 30 है, मैं अगर संजू होता, आई संजू होता और मेरी अभी एज 30 है, तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरी एज क्या होती, 30, और आफ्टर मतलब क्या बताया मैंने आपको, प्लस कर देना, तो 30 कितने ईयर्स बाद कह रहा है, 5, तो 30 प्लस 5 हमारी 5 ईयर्स आफ्टर वाली जो एज होती वो 35 होती। इसी तरह अगर कहता संजू की प्रेजेंट, देखिए संजू प्रेजेंट एज एक्स है, तो यहां अगर मैं बोलूं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर तो संजू की एज में 5 प्लस करेंगे। यही मैं ऐसे करता बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 तब हम संजू की एज से उतना ही माइनस करते। ठीक है, ये मीनिंग है यहां पर बेसिकली ऐसा। दूसरा ट्वाइस थ्राइस का मीनिंग समझिए। मान लेते हैं संजू की एज एक्स है और कह रहा जो मंजू है, संजू तो एक्स है, मंजू की एज जो है बच्चे वो जो है संजू की एज का ट्वाइस है, मींस ट्वाइस मतलब मैंने बता दिया किससे मल्टीप्लाई करना बच्चे, 2 से, तो मंजू की एज कितना है, संजू की एज का ट्वाइस है, तो संजू की एज कितनी एक्स, और ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी एज आ जाएगी बच्चों, मंजू की एज आ जाएगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ट्वाइस, थ्राइस, डिफरेंट, एड, मोर, सब्ट्रैक्ट, ये आप बहुत ध्यान रखना क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने वर्ड्स प्रॉब्लम में। ठीक है, देखिए बच्चों, कभी भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दे तो पहले आपको ये चेक करना है कौन सी डेटा नॉट गिवन है और उसे लेट कर लिया जाता है। समझने के लिए हम इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, कह रहा है फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन,
After 12 year his son will be twice as that of son. Find their present age. यानी इसमें एक फादर है और एक उनका बेटा है, तो फादर और बेटे की एज नहीं दे रहा बट कंडीशन दे रहा है. हम क्या करेंगे, जो एज नॉट गिवन होती उसको लेट करेंगे. तो लेट लेट एज ऑफ लेट प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स, क्योंकि एज मोस्टली आप सभी हमेशा ईयर्स में काउंट करते हैं इसलिए आप ईयर्स लिखेंगे. देन एंड फादर एज एंड फादर एज शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, फादर फादर्स एज क्या होगी बच्चे, वाई ले लो वाई ईयर्स. ठीक है, अब समझना. पहली कंडीशन कह रहा है फादर थ्री टाइम्स है किसके, बेटे की एज. मतलब जैसे मैं अगर 10 हूं तो मेरे फादर मेरे तीन गुना है मतलब 30. इसी तरह कह रहा है कि जो फादर है, फादर कौन है, पहली कंडीशन देखिए ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज वाई है और फादर अपने बेटे की एज, तो बेटा कितना था जी एक्स, उसका क्या कर दिया जी थ्राइस, थ्राइस मैंने बताया टाइम्स, टाइम्स मतलब भी होता है मल्टीप्लाई. अगेन यहां लिख दे रहा हूं, अगर आपको टाइम्स वर्ड मिले इसका मतलब मल्टीप्लाई से होता है. मैंने सिंबल बना दिया मल्टीप्लाई का, वो क्रॉस नहीं जी मल्टीप्लाई सिंबल है. तो टाइम्स थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई किसका, एज ऑफ सन. तो इसमें हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एक रिलेशन आ गया ना आपका कि वाई इक्वल क्या हो गया 3x, means father अपने बेटे के तीन गुना है. दूसरी कंडीशन देखिए कह रहा है कितने साल बाद, 12 साल बाद. तो पहले हमें ये चेक करना, आफ्टर मतलब होता है प्लस, तो आपको ये चेक करना है बच्चे कि 12 साल बाद पहले इंडिविजुअली ये x था, वर्तमान में ये x है, तो 12 साल बाद कितना होता है बेटे 12 years after x plus 12. सिमिलरली ये कितना होते है y plus 12, उसके बाद कंडीशन अप्लाई होगी. तो देखिए आफ्टर 12 years यहां लिखेंगे ईयर्स एज ऑफ सन, एज ऑफ सन. तो ये क्या करेंगे, ये प्रेजेंट एज थी 12 साल बाद, तो हम जी इसमें प्लस कर देंगे 12, इतना ईयर्स हो जाएगी इनकी एज. सिमिलरली आप अगर इनके फादर की बात करें तो एज ऑफ फादर, इनका फादर की एज हमने वाई लेट की थी, तो वाई में भी कितना प्लस हो जाएगा बच्चे 12, तो कितना हो गया ईयर्स हो गए. अब कंडीशन देखो, कह रहा था 12 इयर्स, तो हमने 12 साल बाद निकाली दोनों की एज. कह रहा सन विल बी ट्वाइस एज, थोड़ा सा एरर, फादर विल बी फादर होगा बच्चे, फादर ट्वाइस हो जाएगा किसके, एज दैट ऑफ सन. कह रहा फादर, तो चलो देखो फादर कितने 12 इयर्स बाद बच्चे y plus 12, ओके, और बेटा कितना था x 12 इयर्स बाद x plus 12. कह रहा कि फादर जो है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब बता दिया बच्चे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, लेकिन किसके एज में, बेटे की एज में, तो किसके इक्वल हो जाएगा फादर के एज की. आपकी दूसरी क्वेश्चन बन गई. अब आप देखिए y plus 12 और यहां पर 2 का इसे मल्टीप्लाई करो 2x, इसमें कर दीजिए 24. अब आप यहां पर क्या करें, y की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी जी 3x. तो यहां जैसे आप y इक्वल 3x पुट कर दीजिए, तो देखिए 3x और पहले से ये 12 उस साइड ले जाइए, 2x इधर लाइए और 12 उधर ले जाइए, इधर माइनस 2x और इधर कितना हुआ 24 माइनस 12 यानी 12. तो देखिए 3 में से x, x से कितना गया 12 ईयर, ये 12 ईयर आया, लेकिन x किसको लेट किया था अपने बेटे सन, तो एज ऑफ सन आ गया, एज ऑफ सन आ गया आपका 12 ईयर, यही आंसर है. अगर फादर का पूछता है फादर क्या था, बेटे का तीन गुना यानी बेटा 12 है, तो फादर हो जाएंगे 12 3 जा 36, तो आपका एज आ जाएगा फादर की एज 36 ईयर. तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इन वर्ड के मीनिंग क्लियर होनी चाहिए. ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपका यहां पर गिवन है. ओके, लेट्स गो. ओके नाउ, अभी रफ नहीं कर रहा, आप ये क्वेश्चन देखिए. तो अब हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में से ही दे रखा है आपको कि 10 years later, later मतलब कि मैंने बता दिया बाद में होता है, बाद में मतलब कि उम्र आपका निकल जाएगा, तो उसमें क्या आएगा इतने साल बाद, इसका मतलब भी प्लस है. अब देखना, पहले तो हमने कहा था दो चीजें देखनी, किनकी एज गिवन और किनकी नहीं गिवन है. इन दोनों केसेस में आप ये कह सकते हैं ए एंड बी दो बंदे हैं, दो हैं, इन दोनों की एज कहीं भी गिवन नहीं है. तो सिमिलरली लिखेंगे लेट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स
एंड एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स, ठीक है, दोनों की एज लेट कर ली। कंडीशन है कि 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद हमने प्रेजेंट एज लेट की, लेट प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज मान ली बच्चे की 10 साल, एक्स और वाई है, सॉरी एक्स और वाई है, तो अब हमें 10 इयर्स बाद निकालना, तो 10 इयर्स बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, उसी एक्स में 10 ऐड कर, और अगर वाई है तो वाई में 10 ऐड कर दीजिए। तो देखिए आफ्टर या 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर एज ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा जी, ए की एज एक्स है बच्चे, उसमें कर 10 इयर्स लेटर, लेटर मतलब प्लस कर, इतना इयर्स हो जाएगी। सिमिलरली एज ऑफ बी तो क्या हो जाएगा जी, वाई प्लस 10, आपने दोनों को ऐड कर दिया तो इतनी इयर्स उनकी एज आ गई। अब कंडीशन देखो क्या है, 10 इयर्स लेटर ए विल बी ट्वाइस, यानी पहली कंडीशन देखिए कह रहा है ए ट्वाइस हो जाएगा, ए ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई किसके, एज ऑफ बी, तो बी या एज ऑफ ए, एज ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ बी, यही कह रहा था। तो एज ऑफ ए कितना था आपने 10 इयर्स में ये, और एज ऑफ बी कितना था बच्चे, वाई प्लस 10, अब सॉल्व कर लीजिए तो एक्स प्लस 10, यहां देखिए 2 का मल्टीप्लाई वाई में, तो 2y 2 10 जा 20, इसको साइड ले जाओ तो x इक्वल आ गया 2y, और बेटा 10 इस साइड आके माइनस होगा तो 20 में से 10 आउट हो गया 10, एक कंडीशन आ गई आपके पास। ओके अब आप दूसरी कंडीशन देखो, कह रहा है 5 इयर्स एगो, एगो मतलब बता दिया मैंने आपको क्या करना, माइनस, यानी ऐसे सोचो अगर आज मेरी एज प्रेजेंट में मेरी एज 30 है तो 10 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी 30 प्लस 10, और अगर मैं बोलूं मेरी एज 5 साल पहले कितनी होती 30 माइनस 5, तो यहां पर आप लिखेंगे बिफोर या 5 इयर्स एगो, यहां थोड़ा सा स्पेशली हम यही कर लेंगे, चलो करते हैं एक सेकेंड, यहां नहीं करते हैं, यहां नहीं करते हम यहां करते, ठीक है, देखिए 5 इयर्स एगो, ठीक है, एज ऑफ ए, एज ऑफ ए की बात करें तो हो जाएगा एक्स, और एज एक्स ए की एक्स है 5 इयर्स पहले, तो हो जाएगा जी माइनस, ऐसे एज ऑफ बी अगर हम बी कर करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 5। अब कंडीशन क्या है कि ए वॉज थ्राइस थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज बी, यानी फिर से देखो एटीक्यू कह रहा है ए जो है ए मतलब एक्स प्लस माइनस 5, कंडीशन लग रही है ना, कंडीशन अप्लाई होगी प्रेजेंट में नहीं होगी, कह रहा 5 इयर्स एगो पे तो एक्स माइनस 5 और बी कितना वाई माइनस 5, ए फिर इस बार क्या होगा थ्राइस हो जाएगा, जैसे यहां ट्वाइस कह रहा था यहां थ्राइस, तो अगेन देखो एक्स माइनस 5 3 का वाई में 3y और 3 5 15, अब इस 5 को साइड ले जाइए और x की वैल्यू यहां रख सकते हैं 2y plus 10, यहां पुट कर दीजिए 2y plus 10 minus 5 is equal to 3y minus 15, तो देखिए 10 और 5 ये 5 आया, तो 5 यहां रख दीजिए, इसको इधर लाओ 5 और 15 बेटा हो जाएगा 20, चेक करो 10 में से 5 गया 5 माइनस से इधर आके प्लस, तो 5 और 15 20 और 2y साइड जाके माइनस होगा तो 3y माइनस 2y y आ गया, तो y मतलब y मीन से बच्चे b की एज, तो b कितना ईयर का था 20 ईयर का, और a की एज निकालो तो देखो यहां पुट कर दो ये वैल्यू जो y कितना आ रहा है आपका 20 इयर्स, यूनिट लिखना कंपलसरी है बच्चे, यहां पुट कर दो देखो x इक्वल 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ y इज 20 प्लस 10, तो 20 टू 40 और 50 इयर्स हो जाएगा a की एज, a क्या है, अब कंडीशन आप चेक कर सकते हो, देखो कंडीशन कैसे चेक होगी, यहां रख लीजिए देखिए y कितना 20 20 यहां रखिए 20 और 10 30 32 जा 60 और ऑलरेडी देखो 50 वैल्यू रख दो 60, सही तो है कंडीशन, देखो अगर a की परसेंटेज 50 आती है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 60, और कह रहा था कि जो y की एज होगी उसके 10 साल बाद वो डबल हो जाएगा, तो देखो y की एज कितनी थी 20 इसका 10 साल बाद कितना होता बेटे 10 इयर्स, y का 30 होता, फिर उसका डबल कर दो किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है ना, मींस कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, तो आपका आंसर आ गया a की एज 50 हो गई, y की एज कितनी हो गई 20। तो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम काफी आसान होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में
फेरबदल होता है और लैंग्वेज को मैंने बेसिकली आपको समझा दिया, ये वर्ड्स आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब मैं क्वेश्चन नहीं राइट कर रहा, डायरेक्ट आपको समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन दे रहा और कैसे पूछ रहा है इसमें। देखिए इसमें है फादर्स एज इज थ्री टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन। देखिए एक फादर है और दो बच्चे हैं, तो मैं शॉर्टकट भी बताता हूं। देखिए फादर और टू चिल्ड्रन, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम दो चिल्ड्रन का अलग अलग एज लेट करेंगे तो थ्री वेरिएबल हो जाएगा, जबकि मैंने पहले कहा था आपका जो चैप्टर है बच्चों वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम टू वेरिएबल में करने की कोशिश करेंगे, थ्री वेरिएबल में भी हो जाएगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं, मैं तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा कि थ्री टाइप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, जो दो बच्चे हैं उनका इक्वली मान लेते हैं कि एज ऑफ टू चिल्ड्रन, एज ऑफ टू चिल्ड्रन अकेले टोटली मान लिया एक्स, ये दोनों चिल्ड्रन की एज एक्स है और फादर की एज कितनी है जी वाई। शॉर्ट में बता रहा हूं, समझिएगा अब कैसे करेंगे। स्टेटमेंट नहीं लिखना, प्रोसेस बता दिया कैसे लिखना, आप करते हैं। एज ऑफ टू चिल्ड्रन, देखो वर्ड्स प्रॉब्लम की खास बात है, आप क्या करो एक एक सेंटेंस पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जितना कह रहा उतना करते जाइए, तो आपका आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएगा वर्ड्स प्रॉब्लम। जैसे मैंने थोड़ा सा रीड किया था, अ फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फादर और दो बच्चों की एज ले दी। फिर इसमें ये कह रहा था थ्री टाइम्स द एज ऑफ सम ऑफ टू चिल्ड्रन, यानी फादर जो है पहला एटी की देखो, फादर जो है थ्री टाइम्स है सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, तो ऑलरेडी आपका एक्स है, तो कितना हो गया, हो गया कंडीशन जी। देखिए फादर थ्री टाइम्स सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन थ्री एक्स। सेकेंड कंडीशन कह रहा है आपका आफ्टर फाइव ईयर्स, तो मुझे ये बताओ अगर हम फादर का ले लेते हैं फाइव ईयर्स आफ्टर, फाइव ईयर्स आफ्टर, तो जरा देखो बच्चे आफ्टर तो क्या एज हो जाती, y प्लस फाइव होती। इसी तरह यहां पर फाइव ईयर्स आफ्टर, फाइव ईयर्स आफ्टर कह रहा है, तो इसमें बेटा x प्लस फाइव नहीं होगा। रीजन क्या है, अकेला लड़का होता, अकेले लड़की की एज एक्स होती तो फाइव होता, लेकिन यहां दो लोग मिलकर है ना, तो पहले बच्चे की जब पांच साल बढ़ेगी तो दूसरे का भी बढ़ेगा, इसलिए फाइव कितनी बार प्लस कर देना पड़ेगा, दो बार, तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी, समझ गए ना क्यों दो बार प्लस हो गया। तो ये कंडीशन थी कि पांच साल बाद इनकी कंडीशन थी, पांच साल बाद हमने एज दोनों के निकाल लिए। अब इस पर कंडीशन कह रहा है द फादर वॉज twice as the sum of age of two children, फिर कंडीशन देखिए फादर, तो फादर कौन है बच्चे y plus 5, ये कह रहे हैं twice है sum of age of two children, वो कितना जी x plus 10, सॉल्व करिए बच्चे 2x, फिर 2 का 10 है, 2 10 जा 20, और ये 5 इस साइड का तो minus 5, यहां क्या बचा y, तो y की वैल्यू आप यहां रख दीजिए बेटा 3x, तो ये इस साइड आएगा कितना हो जाएगा minus 2x, और इस साइड कितना बचे बेटे 15, तो ये x इक्वल कितना है 15 इयर्स। चेक करिए x किसकी थी, दो बच्चों के एज का सम कितना आ गया बच्चे आपके पास 15, लेकिन फादर का क्या आएगा, ये रहा जी फादर क्या है, उन्हीं दोनों के बच्चों के जितनी एज आएगी सम उसका तीन गुना, फादर कितना होगा 15 3 जा जी 45 इयर्स का क्या। तो एक एक वर्ड को समझना है और छोटे छोटे सेंटेंस करने हैं, आपका इजीली वर्ड्स प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम की हम मीनिंग समझ जाते हैं ना, तो कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप वन टाइप टू जो हम लोग कराते हैं बेसिकली वो है ही नहीं, बस मीनिंग समझना है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए एक एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चंस, आरडी में दिया है, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में भी है। कह रहा है कि 5 इयर्स अगो नूरी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड सोनू, तो देखो आसानी से क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी में भी है बच्चे, देखना नूरी और सोनू है, लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स इयर्स, तो एज ऑफ सोनू बी वाई इयर्स,
हमने ले लिया जीत, सोनू और नूरी ले लिया, जितना पढ़ेंगे उतना उतना करते जाएंगे। फिर कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, पहला एटीपी कह रहा है नूरी थ्राइस है, लेकिन कब, फाइव ईयर्स एगो, तो पहले आप क्या करो फाइव ईयर्स एगो लगाओ, तो लिखो फाइव ईयर्स एगो, फिर देखो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी तो भाई इनकी एज में एगो मतलब बता दे रखा है माइनस, तो नूरी की एज में फाइव माइनस कर दीजिए। इसी तरह सिमिलरली एज ऑफ सोनू की बात करेंगे तो सोनू की एज में भी पांच माइनस कर दीजिए। अब आपका कंडीशन है, अब ये कह रहा है नूरी वॉज, तो नूरी नूरी है एक्स माइनस फाइव और सोनू है वाई माइनस फाइव, इनकी एज में कह रहा है बच्चे कितना कर दीजिए सोनू के एज का थ्राइस, तो तीन गुना। जैसे ही आपने थ्राइस किया, अब देखिए एक्स माइनस फाइव इधर होगा थ्री वाई, इधर हो गया फिफ्टीन, आप x एक इक्वेशन बन जाएगा, देखिए x इक्वल थ्री वाई माइनस फिफ्टीन और ये माइनस इधर आके प्लस होगा, तो हो जाएगा थ्री वाई माइनस टेन, एक इक्वेशन आगे देखिए x इक्वल थ्री वाई माइनस टेन। अगेन कंडीशन देखते हैं, कह रहे टेन ईयर्स लेटर, अब दस साल बाद, तो टेन ईयर्स लेटर, अब देखो एज ऑफ नूरी, तो भाई लेटर मतलब बताया प्लस कर देना है, तो क्या होगा नूरी एक्स था बेटा, तो उसमें टेन प्लस कर दिया तो एक्स प्लस टेन हो गया। इसी तरह एज ऑफ अगर मैं सोनू की बात करूं, सोनू की एज आपने वाई एड की थी, उसमें भी टेन प्लस कर दीजिए क्योंकि दस साल बाद एज निकालनी है। अब कंडीशन क्या कह रहा है देखिएगा, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि नूरी ट्वाइस हो जाएगी जितना सोनू है, तो नूरी की एज बेटे एक्स प्लस टेन और सोनू की एज कितना वाई प्लस टेन, और इसका जैसे ही आप ट्वाइस लोगे तो कह रहा है कि नूरी वॉज, नूरी वॉज ट्वाइस मींस टू से मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज सोनू, तो देखिएगा क्रॉस इसमें सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए टू वाई ट्वेंटी, टू टेन ट्वेंटी इधर क्या एक्स प्लस टेन। अब आप देखो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है थ्री वाई माइनस टेन, यहां पुट कर दीजिए, देखिए थ्री वाई माइनस टेन और पहले से क्या बच्चे प्लस टेन, यहां क्या है टू वाई प्लस ट्वेंटी, टेन टेन कैंसिल, टू वाई साइड आके माइनस करोगे तो थ्री वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो वाई की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा ये कैंसिल होकर के टेन हो जाएगा। तो वाई मीन्स किसकी एज थी बेटे सोनू, सोनू कितना साल है दस साल, अगर नूरी का कैलकुलेट करते हैं तो यहां आ जाएगा नूरी जो है इधर थी, यहां पुट कर दीजिए वाई की वैल्यू टेन थ्री थर्टी, थर्टी में से टेन आउट कर देंगे ट्वेंटी तो आ जाएगा एक्स, एक्स मतलब ट्वेंटी, ठीक है। कुछ मिस हो रहा है क्रॉस चेक करते हैं, एक्स माइनस फाइव थ्री वाई माइनस थ्री फाइव जब फिफ्टीन, एक्स थ्री वाई माइनस फिफ्टीन ये प्लस फाइव थ्री वाई माइनस टेन, ठीक है तो यहाँ थ्री वाई माइनस टेन है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक्स प्लस टेन ट्वेंटी, तो यहां पर सॉरी ये ट्वेंटी ही बच्चे कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि थ्री में से टू आउट होगा तो वन वाई आएगा और वन आएगा तो वाई इक्वल डायरेक्टली कितना हो गया ट्वेंटी ईयर्स। जब आप यहां देखिए ये ट्वेंटी है वाई की वैल्यू, अब आप क्या करिए यहां ट्वेंटी रख लीजिए ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी में से फिफ्टीन निकल आएगा तो आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी, या फिर यहां भी रख लो ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी में से टेन गया फिफ्टी, यानी यूनिक एज कितनी आ जाएगी फिफ्टी, यहाँ वाई कितना आ गया ट्वेंटी ईयर्स, ये सोनू की एज है। और अगर नूरी की बात करें तो देखो ये रहा नूरी एक्स इक्वल थ्री वाई माइनस टेन, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी माइनस टेन, तो बेटा पहले आप ट्वेंटी थ्री का सिक्सटी, सिक्सटी टेन गया तो कितना आ गया फिफ्टी ईयर्स, ये नूरी की एज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स आसानी से एज से रिलेटेड हो जाते हैं। तो किसी भी आप एट के बच्चों हो या नाइन्थ के हो या टेंथ को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ भी डाउट्स है इस तरीके के चैप्टर में तो आप कॉन्सेप्ट में, तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा उस क्वेश्चन को करा देंगे। अगर पर्टिकुलर किसी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे।